हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर गेम यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एरो आईबीएन। हम लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। तो ये वीडियो होने वाली है उन्हीं के लिए जिनके पास है लो एंड या फिर मिड एंड डिवाइस, मतलब उनका जो फ़ोन है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और वो खेलना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे टूर्नामेंट्स वगैरह, लेकिन डिवाइस अच्छा ना होने की वजह से वो नहीं खेल पा रहे। तो उनके लिए मैं यहाँ पे सेटिंग बताने वाला हूँ कि वो क्या सेटिंग यूज़ कर सकते हैं एंड उनका जो गेम प्ले है वो इम्प्रूव हो जाएगा, लैग भी कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं 8 महीने पहले, जब मैंने तुम लोगों के थ्रू गरेना से ये डिमांड करी थी कि हमें चाहिए है स्मूथ ग्राफिक्स पे हाई FPS। तो देखो 8 महीने पहले मैंने क्या बोला था। अब मैं जो यहाँ पे टाइप करूँगा एग्जैक्टली आपको वही वहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि जो ये रिक्वेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के इंडियन फ्री फायर गेम प्ले एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे टाइप करना है वी नीड हाई FPS ऑन स्मूथ ग्राफिक्स। ठीक है, तो स्मूथ ग्राफिक्स पे हमको हाई FPS चाहिए। अगर ये चीज़ आ गया ना तो जिनके पास मिड एंड फ़ोन है और लो एंड फ़ोन है उनका भी गेम प्ले काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि FPS। तो ये थी मेरी डिमांड। ये डिमांड इसलिए थी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे लो एंड डिवाइस यूजर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये जो हाई FPS का मज़ा है ये लेने को मिले। एंड फाइनली हमको वो चीज़ देखने को मिल रहा है, गरेना यहाँ पे ये अपडेट लेके आ चुकी है, सो थैंक्स टू गरेना। लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे कि भाई FPS होता है क्या, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि FPS क्या होता है। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में हमको कितने फ्रेम्स देखने को मिल रहे हैं। अगर वो फ्रेम्स 30 होंगे तो हम कहेंगे वो नॉर्मल FPS है, अगर हमको एक सेकेंड में 60 फ्रेम्स मिलते हैं तो हम कह सकते हैं वो हाई FPS है। और जितना ज़्यादा FPS होगा उतना ज़्यादा जो तुम्हारी वीडियो है या फिर जो गेम है वो उसका जो फ्लो है या फिर कह सकते जो स्मूथनेस है वो बेहतरीन रहेगी और तुमको देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा, काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा। अगर फ्रेम्स कम होंगे तो वो थोड़ा सा लैगी लगेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा समझाने वाला हूँ, लेमन लैंग्वेज यूज़ करूँगा जो सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टेक्निकल स्टफ पे वर्क नहीं करेंगे, लेकिन सिंपली तुमको क्या करना चाहिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। तुम्हारे पास जो डिवाइस है उस डिवाइस के हिसाब से तुमको क्या सेटिंग रखनी चाहिए उस चीज़ पर हम बात करेंगे। वेदर तुम टूर्नामेंट प्लेयर हो तब भी तुमको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी चाहिए, हो सकता है तुम्हारा मन जो तुम्हारी सेटिंग्स को लेके है वो एंड तक चेंज हो जाए। तो यहाँ पे ग्राफिक्स में देख सकते हो स्मूथ पे भी अभी हाई FPS आ चुका है एंड अल्ट्रा ग्राफिक्स पे हम देख सकते हैं कुछ फिल्टर्स भी आ चुके हैं। तो अल्ट्रा ग्राफिक्स पे हाई FPS पे फिल्टर्स वो लोग यूज़ करो जो गेम को लाइक मज़े के लिए खेलते हो एंड उसके ग्राफिक्स एंजॉय करने के लिए खेलते हो। अगर तुम कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलते हो तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि तुम वो फिल्टर्स यूज़ करो, तुमको नॉर्मल ही खेलना चाहिए, वरना तुमको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लैग फेस करने पड़ेंगे एंड कॉम्पिटिटिव लेवल पे लैग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर लैग होता है तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफरेंस दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अल्ट्रा ग्राफिक्स हाई FPS। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक्स देखो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ग्राफिक्स है, शेडो भी दिख रही है। तो ये उनके लिए सेटिंग है जो जिनके पास काफ़ी ज़्यादा हाई एंड फ़ोन है एंड उनको कहीं भी कोई भी छोटा सा भी लैग फेस नहीं होता अगर वो गेम प्ले करते हैं, उनके में रैम बेटर है, उनका प्रोसेसर अच्छा है, तो वो इस सेटिंग पे खेल सकते हैं। ठीक है, बट मैं बाकी सारे के बारे में बात करूंगा जिनके पास लो एंड फ़ोन है, जिनके पास मिड एंड फ़ोन है, उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो गेम प्ले में जो फ़र्क आता है वो आता है फ्रेम रेट पर सेकेंड यानी कि FPS की वजह से, ना कि जो हमारी टेक्सचर क्वालिटी है स्मूथ अल्ट्रा या फिर स्टैंडर्ड, उससे कोई भी हमको गेम प्ले में डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। हालांकि विज़न यानी कि जो हम चीज़ें देख पाते हैं उसमें डिफरेंस आता है, कहीं कहीं ग्राफिक्स अच्छे होते हैं तो हमको चीज़ें आसानी से दिखती हैं या फिर कभी कभी स्मूथ पे हमको एनिमी जल्दी स्पॉट हो जाता है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। बट जो गेम प्ले में जो चेंजेस आता है वो आता है फ्रेम रेट पर सेकेंड यानी कि लो FPS एंड हाई FPS की वजह से। चलो अब स्मूथ पे जो लो FPS और हाई FPS को उसको कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ स्मूथ ग्राफिक्स पे नॉर्मल FPS पे कैसा चल रहा है गेम। देखो यहाँ पे हमने कर दिया गेम स्टार्ट और लॉबी में ही देख सकते हो फ्रेम रेट कितने कम हो चुके हैं। तो देखो ये है नॉर्मल स्मूथ सेटिंग जो अभी तक सभी लोग खेल रहे थे। ठीक है, जिनके पास लो एंड फ़ोन था या फिर मिड एंड फ़ोन था वो सभी स्मूथ पे ही खेल रहे थे एंड उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट FPS होता था वो नॉर्मल होता था, वो हाई FPS नहीं होता था एंड गेम कुछ इस तरीके दिखता था, मतलब हल्का हल्का सा लैगी टाइप लगता था, लेकिन जो मेजर लैग्स होते हैं वो नहीं होते थे एंड मोबाइल हैंग नहीं होता था। तो इसीलिए
वो लोग प्रेफर करते थे स्मूथ, लेकिन इससे क्या होता था गेम प्ले पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि FPS से गेम प्ले पे डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे देखो फिलहाल मैं बताता हूँ सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग में आना है तुमको, ऊपर सेटिंग पे क्लिक करो, देन ग्राफिक्स पे आना है एंड देन स्मूथ पे, और देखो नीचे लिखा है हाई FPS, तो हाई FPS को कर लो हाई पे, स्मूथ पे हो गया हाई FPS। अब देखो कितना ज्यादा बेहतरीन लग रहा है, FPS ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर बात करें टेक्सचर्स की, तो हालांकि टेक्सचर रिड्यूस हो चुके हैं, टेक्सचर्स बहुत कम हो चुके हैं, गेम प्ले के ग्राफिक्स देखोगे तो उतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन फ्रेम रेट पर सेकेंड बहुत बेहतरीन दिख रहा है, और जो गेम प्ले एक्सपीरियंस है अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं अल्ट्रा ग्राफिक्स पे हाई खेलता हूँ। तो ये मैं प्रेफर करूँगा, रिकमेंड करूँगा उन सभी को जिनके पास मिड एंड फोन है, ध्यान से सुनो, जिनके जिनके पास मिड एंड फोन है, जो या तो अल्ट्रा ग्राफिक्स पे खेलते थे उनका थोड़ा थोड़ा लैग होता था, या जो स्टैंडर्ड पे खेलते हैं उनको भी मैं कहूँगा स्टैंडर्ड छोड़ो, स्मूथ ग्राफिक्स पे आओ और हाई FPS लगा लो, ठीक है, ये है तुम्हारे लिए बेस्ट सेटिंग। मतलब सीधी लैंग्वेज में समझो, अगर तुम्हारे पास बहुत 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 अच्छा फ़ोन है तब तुम अल्ट्रा ग्राफिक्स हाई FPS यूज़ करो, अगर तुम्हारे पास नॉर्मल फ़ोन है, मिड रेंज फ़ोन है, तो भाई मैं तुम सभी को रिकमेंड करूँगा, अगर तुम कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हो, गेम प्ले के हिसाब से देखना चाहते हो, तो तुमको खेलना चाहिए स्मूथ ग्राफिक्स हाई FPS, ठीक है। आईफोन है, ROG है, देन बिल्कुल जाओ तुम सीधे सीधे हाई FPS और अल्ट्रा ग्राफिक्स पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी मिड एंड फोन है तो तुम स्मूथ ग्राफिक्स पे खेलो, और तुम्हारा जो FPS होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से मैं गेम प्ले भी दिखा रहा हूँ स्मूथ ग्राफिक्स पे हाई FPS पे कितना बेहतरीन चल रहा है। एंड ये चीज़ मैं उनके लिए कहूँगा, यहाँ पे भी दो तरीके के टेस्ट होते हैं लोगों के, एक जो गेम प्ले मज़े के लिए खेलते हैं एंड उनको ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो उनके लिए क्या है भाई, वो लोग तुम खेल सकते हो, अल्ट्रा ग्राफिक्स खेलो, हाई FPS खेलो, दिक्कत नहीं, थोड़ा लैग होगा लेकिन तुमको खेलने में मज़ा आएगा, बढ़िया है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हैं, मतलब जो भाई रैंक पुश करते हैं या फिर गेम प्ले इम्प्रूव करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कहूँगा स्मूथ ग्राफिक्स पे आ जाओ, हाई FPS खेलना शुरू कर दो, बाकी सब छोड़ दो भाई, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट सेटिंग यही है स्मूथ ग्राफिक्स हाई FPS, ठीक है, तो उस पर तुम स्विच कर सकते हो। अब मैं बात करूँगा उनकी जिनके पास एकदम लो एंड फोन है, मतलब सीधे लैंग्वेज में बोले तो एकदम टच्ची फोन है, तो फिर उनको क्या करना है, उनके लिए मैं बताता हूँ, तुम लोग कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, तुम सिंपली यहाँ पे स्मूथ ग्राफिक्स खेलते हो, वहाँ पे तुमको क्या करना है, स्मूथ पे हाई FPS पे सेटिंग लगा लो। अब दोनों में डिफरेंस देखो कि लैग ऐसा तो नहीं है कि जब मैंने हाई FPS कर दिया स्मूथ पे तो बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, गेम अटक जा रहा है, अगर वो नहीं हो रहा है एंड तुमको बेटर लग रहा है देन तुम शिफ्ट हो जाओ स्मूथ विद हाई FPS पे, अगर नहीं होता है देन वापस आ जाओ स्मूथ पे, ठीक है। तो दोनों को एक बार ट्राई करो, जिनके पास बहुत ही लो एंड फोन है उनके लिए ये बात मैं बता रहा हूँ। एंड एक और चीज़ मैं बताऊँगा, ये भी बात बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस तरीके की वीडियोस कैसे मिलेगी, एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तुमको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि तुम्हें पता है भाई यहाँ पे मैं टिप्स ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो लाता हूँ, उसके अलावा चैलेंजेस वीडियोज़ भी लेके आता हूँ, एंड बहुत ही जल्दी तुम लोग के लिए स्पेशल टूर्नामेंट्स भी लेके आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करो एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेट कर लो, क्योंकि ये कर लोगे ना तो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी कि नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड यहाँ पे मैंने सबके लिए बता दिया किसको किस सेटिंग पे खेलना चाहिए, जिनके पास एकदम लो एंड फ़ोन है उनको किस सेटिंग पे खेलना चाहिए, जिनके पास मिड रेंज फ़ोन है उनको किस सेटिंग पे खेलना चाहिए, एंड जिनके पास बहुत बेहतरीन फ़ोन है वो भी किस सेटिंग पे खेल सकते हो, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। एंड होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम हम लोग से कनेक्ट रहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो हो रही है arrowgaming.ig, एंड वहाँ पे हम लोग का जो Q&A आने वाला है, मतलब मुझसे या फिर AK से कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो हम लोग से रिलेटेड, देन वहाँ पे तुम कर सकते हो हम लोग से स्टोरी में मेंशन करके, एंड उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक जगह नोट करके रखेंगे, एंड जब भी हम लोग का Q&A वीडियो आएगा जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसमें हम लोग उन सबके आंसर देंगे। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो arrowgaming.ig। इसके अलावा इंस्टा पे हम लोग जो स्पेशल कस्टम रूम्स होते हैं कहीं ना कहीं कभी कभी वहाँ पे हम लोग आईडी पासवर्ड भी शेयर करते हैं, तो हम लोग के साथ आके वहाँ पे खेल भी सकते हो, कभी कभी टीम कोड भी हम वहीं से शेयर करके खेलते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, फ़ायदे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग को फॉलो करो ताकि हम लोग की जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके।
एंड जो ये कनेक्शन होता है, मतलब तुम लोग का जो मुझसे कनेक्शन है, ये ऐसा है कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं तुम लोग की हेल्प करने के लिए हमेशा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैं उसका सोल्यूशन देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम लोग मेरे लिए हो। तो एक जो बॉन्डिंग होती है ना इन्फ्लुएंसर और उसकी ऑडियंस की, तो एक कोई फैमिली जैसा होता है। एंड मैं तुम लोग को अपनी फैमिली जैसा ही मानता हूँ, बिकॉज तुम लोग ने ऐसे ऐसे मोमेंट पर मेरा साथ दिया है जब मुझे लगा यार कि अभी मुझे यूट्यूब में मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे ख़त्म करना चाहिए, तब मुझे इतना सपोर्ट मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।